एक प्रकार का थिंक टैंक है जिसका यही काम होता है। यह एक प्रकार का थिंक टैंक है जिसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट दोस्तों जारी की जाती है। ये खुद इसका रिसर्च करता है। और पूछा गया है गाओ काओ परीक्षा किस देश में आयोजित की जाती है, तो आपको याद रखना है चाइना के अंदर आयोजित की जाती है। ये एग्जाम ये क्यों इतना ज्यादा टफ एग्जाम माना जाता है, तो याद रखना गाओ काओ जो परीक्षा है इसका समय कितना होता है, तो देख के या सुन के दिमाग खराब आपका हो जाएगा दोस्तों। याद रखना 9%। अरे 9% क्या होता है, 9 घंटे। याद रखना दोस्तों ये वो पेपर है जो लगातार 9 घंटे तक होता है, आपको उठने की अनुमति भी नहीं होती है। पानी वगैरह जो होता है वो आप वहीं पर बैठ के पी सकते हो, लेकिन अगर आप ये चाहो कि जाते हैं बाहर 2 समोसे चटका के आते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि 9 घंटे तक एग्जाम चलता है जिसका नाम है गाओ काओ परीक्षा। ये कहां पर आयोजित की जाती है, तो याद रखना चाइना के अंदर इसको आयोजित किया जाता है। अब यही पूछ देगा हमारा भारत, हमारा जो भारत दोस्तों ये कौन से नंबर पे जाता है इंडिया, तो याद रखना हमारा जो इंडिया है ये आपके दोस्तों 2nd नंबर पे आता है। लेकिन इंडिया की दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम बताइए जो सबसे ज्यादा टफ एग्जाम होता है, आईआईटी जो जेई है दोस्तों, जेईई है, ये भारत का सबसे टफ एग्जाम है। इसके बाद कौन सा एग्जाम आता है जिसको आप लोग दोस्तों यूपीएससी के नाम से जानते हो, ये भारत का दूसरा सबसे टफ एग्जाम बनता है। इसके बाद सर जी कौन सा आता है, गेट का पेपर आता है। कौन सा, इसके बाद गेट का पेपर आता है। ध्यान रखना भारत के अंदर आईआईटी जेईई के 1% विद्यार्थी कामयाब होते हैं। कितने, 1%, और कभी कभी तो ये माइनस में भी चला जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखोगे। क्वेश्चन का आंसर क्या था, चाइना। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, पूरी की पूरी डिटेल्स आपके सामने है, और इस डिटेल में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर जी टॉप 10 वो देश बताइए जो टॉप 10 एजुकेटेड, टॉप 10 क्या होता है, टॉप 5 एजुकेटेड कंट्री।